नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आप देख रहे हैं साहिल चैनल लिस्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए जिंदगी भर फ्री चलने वाला फुल HD सेटअप बॉक्स लेके आया हूँ। दोस्तों ऐसा सेटअप बॉक्स आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला है और आप ऐसे सेटअप बॉक्स को खोजते रह जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिंदगी भर आपको इस सेटअप बॉक्स में सारे चैनल बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। IPTV जैसी सुविधा इसमें है, यूट्यूब जैसा एप्लीकेशन आपको इस बॉक्स में मिल जाता है। यानी कि दोस्तों 50% एंड्रॉयड TV बॉक्स है और 50% HD सेटअप बॉक्स है। तो दोस्तों काफी दमदार ये सेटअप बॉक्स है और इस सेटअप बॉक्स के माध्यम से आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं TV को। तो दोस्तों पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों को बताते चलूं, हमारे पिछली वीडियो के लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबर दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, इनका नाम है दोस्तों हर्ष जी और इनको दोस्तों दिया गया है फुल HD सेटअप बॉक्स। दोस्तों ये HD सेटअप बॉक्स बहुत ही जल्द इनके गंतव्य तक भेज दिया जाएगा। दोस्तों अब आपको भी मिल सकता है हमारे YouTube चैनल के जरिए फुल HD सेटअप बॉक्स। बस दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान पर क्लिक करें और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों उससे ज़्यादा भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लकी चांस में आपका नाम हो सकता है। दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ मेलबोर्न का फुल HD सेटअप बॉक्स। अगर आप खरीदना चाहते हैं, अगर आपके पास किसी भी DTH कंपनी का सेटअप बॉक्स लगा है, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश TV या एयरटेल या किसी भी कंपनी का लगा हुआ है और आप रोज रोज के रिचार्ज करा के परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप एक फ्री वाला HD सेटअप बॉक्स लगवा लें, जहां पे दोस्तों आपको सारे चैनल बिल्कुल फ्री में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं C&Q बैंड 5000 TV चैनल्स का सपोर्ट है इसमें। वहीं पे दोस्तों ये सेटअप बॉक्स में यहां पे लिखा है नोट, डिजिटल IT बॉक्स इज फॉर फ्री टू एयर ब्रॉडकास्ट चैनल्स ओनली। दोस्तों बेहतरीन बॉक्स है, 5000 TV चैनलों की कैपेसिटी है। 5000 मतलब दोस्तों 5000 आपको कईयों साल लगेंगे देखने में। दोस्तों इसके बारे में कुछ डिटेल यहां पे लिखी हुई है, मोबाइल को रोटेट करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए पूरी डिटेल लिखी हुई है, इसे पढ़ लीजिएगा। अब आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम आप लोगों को इसे दिखा देते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके। दोस्तों इसको अनबॉक्स करने के लिए यहां से मुझे खोलना होगा और उसके बाद से दोस्तों सबसे ऊपर दोस्तों हमें एक प्यारा सा रिमोट मिल जाता है। दोस्तों रिमोट की क्वालिटी की बात करें, दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से पैक हमें ये रिमोट मिलता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमें ये मिलता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा रिमोट इसका, इस रिमोट को दोस्तों हम यहाँ पे रखते हैं। दोस्तों एक चीज़ और दिखा दें, यहाँ पे मेलबोर्न गैलेक्सी 4 का यहाँ पे ब्रांड लोगो है और ये मैं सेटअप बॉक्स जो दिखा रहा हूँ ये मेलबोर्न गैलेक्सी 4 है, जो कि दोस्तों बहुत ही दमदार है, आज तक का सबसे अच्छा सेटअप बॉक्स आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक HDMI का केबल आपको देखने को मिल जाता है, ये भी दोस्तों बहुत बेहतरीन है, हर एक बॉक्स के साथ नहीं मिलता, जो अच्छे कंपनी के बॉक्स होते हैं उनके साथ मिलता है। दोस्तों इसकी पैकिंग ही आप लोग देख लीजिए कितनी दमदार है दोस्तों। और ये रहा दोस्तों बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स मैं रख देता हूँ और दोस्तों इसकी पैकिंग आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से फोम में सजा हुआ है। दोस्तों इसके साथ एक ऑडियो वीडियो केबल भी मिलता है, जो कि ये भी बहुत अच्छी बात है, इसके सुंदरता में चार चांद लगा देता है। तो दोस्तों आइए अब इसको मैं अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसमें टेप लगा है, इसे मैं निकालता हूँ। ये देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस बॉक्स का फर्स्ट लुक दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरे बटन्स दिए गए हैं। दोस्तों ये बटन्स जो है दोस्तों पावर का बटन है, ये ओके का बटन है और ये मेनू का है और ये आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए है। दोस्तों ये है माई चैनल प्लस माइनस का बटन और ये है दोस्तों USB का और यहाँ पे मेलबोर्न का ब्रांड लोगो लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे इसके बैक साइड में आ जाते हैं, हम आपको दिखा दें बैक साइड में जो हॉलमार्क इसका लगा हुआ है मेलबोर्न का है, LNB इन का ऑप्शन है, USB का ऑप्शन है, HDMI का पोर्ट है, ऑडियो वीडियो है और SPDIF का पोर्ट, आपको पावर का पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो इसमें है एडाप्टर नहीं लगता है दोस्तों, इसमें बस डायरेक्ट आपको केबल लगाना होगा अपने प्लग में और ये सेटअप बॉक्स चालू हो जाएगा। एंटीना की भी ज़रूरत है, एंटीना आपको लगाना पड़ेगा। अगर एंटीना नहीं लगाना चाहते, IPTV अगर आप चला सकते हैं, चलाने की प्रक्रिया आपको मालूम है, तो आप IPTV के माध्यम से भी कुछ चैनल देख सकते हैं। आगे का लुक मैंने दिखा दिया दोस्तों, ये प्लास्टिक बॉडी में बेहतरीन सेटअप बॉक्स आता है, जो कि दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको इसे खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे, खरीदने का प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसी वीडियो में बताऊंगा इसके चैनल लिस्ट, इसकी पूरी डिटेल दिखाने के बाद। तो दोस्तों चलिए इसके चैनल लिस्ट और इसके प्रोग्राम सेटिंग सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूं। तो दोस्तों ये रहा सेटअप बॉक्स का फर्स्ट लुक।
दोस्तों आपको बहुत सारे टीवी चैनल बिल्कुल फ्री में इस सेटअप बॉक्स में देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप जो भी चैनल देखना चाहें इस सेटअप बॉक्स में देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो चैनल फ्री होने चाहिए। यानी कि दोस्तों अभी जो हमारा सेटअप बॉक्स लगा हुआ है ये दोस्तों डीडी फ्रीडिस इंडियन सैटेलाइट पे लगा है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टीवी चैनल 200 से ज़्यादा हैं जो कि दोस्तों हमें बिल्कुल फ्री में देखने को मिलते हैं। साथ ही दोस्तों तमाम कार्टून के भी टीवी चैनल हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों को इसके जो सेटिंग्स है, इसके फंक्शन है और इनके जो चैनल्स हैं वो सारे के सारे दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ। न्यूज के सारे टीवी चैनल देखने को मिलेंगे, जो भी न्यूज के चैनल आप नाम लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग काफ़ी सारी फिल्में, काफ़ी सारे सीरियल, काफ़ी सारे चैनल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसका जो फर्स्ट आप मेनू दाबेंगे, मेनू बटन, तो दोस्तों यहाँ पे एंटीना सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आप अपने हिसाब से टीवी चैनलों को स्कैन कर सकते हैं। जिस सैटेलाइट को चाहें उस सैटेलाइट पे चैनल को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन की प्रक्रिया है दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्कैन करना होगा। आइए दोस्तों इसके बैक आते हैं। मोटर सेटिंग है, सैटेलाइट लिस्ट है, टीपी सेट लिस्ट है। तो दोस्तों ये सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सिस्टम इंफॉर्मेशन, यहाँ पे दोस्तों यूट्यूब है, यूट्यूब भी देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास अभी इंटरनेट लगा नहीं है, तो इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब देख सकते हैं। DLNA रेंडर, इसको एक मोबाइल में एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी होगी और उसके बाद से वाईफाई डोंगल आपको लगाना होगा और आपके मोबाइल से ये डायरेक्ट कास्ट हो जाएगा। इसके बारे में मैं वीडियो एक सेपरेट बनाऊंगा। अगर आपके पास आप लोग ज़्यादा कमेंट करते हैं कि DLNA के बारे में आप हमें बताइए। दोस्तों स्नैक यहाँ पे गेम मिल जाता है, टेटरिस आपको गेम मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों पेन ड्राइव लगाते हैं तो आपको ये सारी सेटिंग, आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। आप अगर वीडियो पेन ड्राइव में सेव किए हैं, वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वीडियो चलने लगेगी जिस हिसाब से आपने वहाँ पर सेव किया है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे टीवी चैनल लिस्ट है, उसके बाद से ये सारी सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेटवर्क सेटिंग मतलब वाईफाई अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने मोटा मोटी दिखाई है। अगर आप लोग कहोगे तो एक बढ़िया वीडियो, थोड़ी लंबी वीडियो और थोड़ा विस्तृत तरीके से मैं आपको अगली वीडियो में बता सकता हूँ अगर आप लोग कॉमेंट करोगे। यहाँ पर दोस्तों चैनलों की बात करें, चैनल इसमें बहुत ज़्यादा आपको चैनल देखने को मिलते हैं और इंटरनेशनल लेवल के भी बहुत सारे चैनल मिलते हैं। भक्ति के चैनल मिलते हैं और सत्संग के चैनल मिलेंगे आपको, संस्कार मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग काफ़ी सारे चैनल हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जी सलाम, अगर आप देखना चाहते हैं जी सलाम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे चैनल जिसे आप लोग देखना चाहते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ के इनाम भी पा सकते हैं वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। और दोस्तों याद रहे, अगर आपने घंटा नहीं दबाया है तो घंटा जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है उसी वीडियो में आपके नाम का अनाउंसमेंट मैं कर दूँ।